The Adventure, Class 11 English. The story is from your book, The Hornbill. A very interesting chapter. A chapter which is full of the world of imagination. A chapter which includes a very adventurous journey of a man. वेन ही इज़ इन कॉमा एक बहुत साहसिक यात्रा एक आदमी की जब वह कोमा में है और साहसिक से अर्थ ये नहीं है कि कुछ बहादुरी साहसिक से अर्थ एक खोज के लिए वह आदमी कैसे कोमा में कुछ चीज़ें सोचता है और रियल वर्ल्ड से कितना दूर हो जाता है इट्स ए स्टोरी रादर आई वुड से इट्स ए साइंस फिजिक्स फिक्शन ये विज्ञान से फिजिक्स से जुड़ा हुआ एक फिक्शन है और फिक्शन का अर्थ क्या होता है एक ऐसी कहानी जो कल्पना की दुनिया में है कल्पना के दुनिया की कहानी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन और चूंकि ये कहानी रियल वर्ल्ड बनाम आर्टिफिशियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड बनाम नॉन रियल वर्ल्ड के संबंध में है आपसे अनुरोध है कि आप पूरे ध्यान से इस कहानी को सुने समझें यू आर रिक्वेस्टेड टू पे फुल अटेंशन दिस स्टोरी बिकॉज स्टोरी इज यू नो इट मूव्स अबाउट इन ए सरपेंटाइन वे सरपेंटाइन अर्थात सांप की तरह गोल 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 होते हुए कभी रियल वर्ल्ड में कभी आर्टिफिशियल वर्ल्ड में कभी फिर रियल वर्ल्ड में बैक टू तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड एंड सो so ऑन सो so फॉर यह कहानी एक उस प्रोफेसर की है जिसका नाम प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे तो इस फिक्शन के को बताने के पहले जो आपके विषय में है थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि जाननी जरूरी है यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओवर व्यू ऑफ दिस फिक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द फिक्शन विच इज रिटन बाय एज आई टोल्ड यू नन अदर देन वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया खगोल शास्त्री हम कह सकते हैं जयंत विष्णु नारलीकर जिसके बारे में आपको मैंने पूर्व में बताया इस कहानी में नारलिकर अपने वैज्ञानिक सोच का और अपने लिखने की कला का एक बहुत अद्भुत मिश्रण प्रदर्शित करते हैं इट्स वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ इस साइंटिफिक थॉट प्रोसेस एंड द राइटिंग स्किल एज आई टोल्ड यू he is not only a famous khagol shastri a scientist but also a very famous writer ye jo chapter the adventure ye पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें जिसे हम overview कहते हैं ये overview आपकी कहानी का हिस्सा तो नहीं है लेकिन ओवरव्यू को समझना जरूरी है क्योंकि उसके बिना कहानी को समझना संभव नहीं तो ये पृष्ठभूमि क्या है एक प्रोफेसर रहते हैं प्रोफेसर गंगाधर पंत गायत जो कार से जाते रहते हैं बंबई के आजाद मैदान की ओर बम्बई का आज़ाद मैदान विश्व भारत का बहुत प्रसिद्ध मैदान है बम्बई का बहुत से ऐतिहासिक घटनाओं का वो एक तरीके से आ, घटनाओं का प्रतीक है बड़ी बड़ी राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं और उसके बाद की कुछ राजनीतिक घटनाएं उस मैदान में हुई हैं तो so, प्रोफेसर गायतोंडे एक हिस्टोरियन हैं एक इतिहासकार हैं और कार से वे जाते रहते हैं एक भाषण देने के लिए बम्बई के आज़ाद मैदान में पूना से निकलते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस कहानी में बताया गया है कहानी के पहले कि वो नौ सौ निन्यानवे बार वैसे ही भाषण दे चुके हैं ही हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर्स नाइन 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 टाइम्स और अभी जब वो कार से जा रहे हैं तो वह उनका एक हजारवां लेक्चर है वन थाउजेंड लेक्चर मैं आपको बार बार याद दिला दूं ये कल्पना की उड़ान है ये सब कल्पना में हो रहा है दैट प्रोफेसर गायतोंडे इज गोइंग बाय कार फॉर हिज वन थाउजेंड लेक्चर एंड द फैक्ट दैट ही नाइन लेक्स मीन ऑलरेडी सो वेल नोन पॉपुलर नॉलेजेबल एक विद्वान के रूप में उनकी ऑलरेडी बहुत प्रतिष्ठा थी ऐसे प्रोफेसर जब कार से जा रहे होते हैं तो जिस विषय पर मैद, आज़ाद मैदान में भाषण था उसका संबंध इतिहास से था और इतिहास में भी आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सुना होगा या पानीपत के युद्ध के बारे में सुना होगा संक्षिप्त में पानीपत कुरुक्षेत्र के पास है हरियाणा में पानीपत का मैदान वहां तीन लड़ाइयां लड़ी गई भारत के इतिहास की बहुत प्रसिद्ध लड़ाइयाँ पहली लड़ाई हुई थी में। 1526 में द फर्स्ट वॉर वॉर फॉट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 1526 बिटवीन इब्राहिम लोधी द देन किंग ऑफ डेली एंड बाबर बाबर हु कम्स फ्राम काबुल फॉर द फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ थिंग टू 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 अटैक इंडिया वैसे भारत वो पूर्व में भी आते रहा था भारत की सीमाओं में क्योंकि बाबर ओरिजिनली तो था अफगानिस्तान का उसके और आगे का समरकंद का समरकंद जो सोवियत संघ रशिया का एक हिस्सा हुआ कर वहाँ उसकी मूलभूत जन्मभूमि थी लेकिन बेचारा मारा मारा फिर रहा था क्योंकि इसका वो जो मूल क्षेत्र था वहाँ वो पराजित होते चला गया तो नए क्षेत्र की खोज में अपनी सत्ता बनाने के लिए वह दिल्ली पर हमला करता है वहाँ उसकी लड़ाई तत्कालीन राजा इब्राहिम लोदी से होती है में इसमें बाबर जीतता है और इसके साथ भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है ये एक सच्चाई है इतिहास का सच है तथ्य है ये हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो पंद्रह में 1556 में मतलब 30 वर्ष बाद यह लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक इसलिए है क्योंकि जहां मुगल सत्ता की शुरुआत बाबर के साथ 1526 में हो गई थी वहीं 1556 के लड़ाई में मुगल मुगल सत्ता के स्थायी रूप से शासन सुनिश्चित हो गया था अर्थात 1556 में जो लड़ाई हुई जिसमें एक और हेमू था हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम का राजा और दूसरी ओर अकबर की फ़ौज थी जो उस समय मात्र ग्यारह बारह साल का लड़का था उसकी फौज थी उसके सामने और उसका नेतृत्व कर रहे थे बैरम खान तो बैरम खान बनाम हेमू की लड़ाई होती है पंद्रह सौ छप्पन में जिसमें बैरम खान की फौज विजयी होती है अकबर विजयी होता है और इस प्रकार दिल्ली पर मुगल सम्राट बहुत मजबूती से स्थापित होता है ये है दूसरी लड़ाई तो दूसरी लड़ाई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये मुग़ल वंश की जो स्थापना बाबर ने की थी तीस वर्ष पहले उसकी सततता को सुनिश्चित करता है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना स्थायी रूप से हो जाती और अकबर शासन में आता है सत्ता में आता लेकिन हमारे लिए ये दो लड़ाइयाँ इस विषय से के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए तीसरी लड़ाई महत्वपूर्ण है जो होती है पंद्रह में 1561 जनवरी पंद्रह सो ये लड़ाई होती है अफगान एक शासक था अहमद शाह अब्दाली और उसका युद्ध होता है मराठाओं से जिसका नेतृत्व कर रहे थे विश्वास राव जी पेशवा तो मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली के बीच ये तीसरी लड़ाई होती है और इस तीसरी लड़ाई में मराठा जो उस समय मुगलों को लगभग समाप्त करने की दिशा में थे और पूरे भारत में सत्ता हथियाने की दिशा में थे उन्हें अहमद शाह अब्दाली की जो अफगान था उसकी फौज पराजित करती है और प्रकार मराठाओं का वो सपना कि वो भारत में शासन करेंगे वो चूर चूर हो जाता है और मुस्लिम वंश फिर लगातार भारत में जारी रहता है इस लड़ाई में अहमद शाह जीतता है मराठा हारते हैं सदाशिवराव हारते हैं ये ऐतिहासिक तथ्य है लेकिन जो गंगाधर पंत गायतोंडे थे इनको कहीं शंका थी इस तथ्य की सच्चाई पर और इस तथ्य की सच्चाई पर शंका को लेकर एक उन्होंने एक लेख लिखा था एक लेख तो नहीं कहना चाहिए अपना भाषण तैयार किया था जिस पर उन्हें आज़ाद मैदान में भाषण देना था अर्थात आज़ाद मैदान का एक हजारवाँ भाषण जो उनका होने वाला था जिसके लिए वो कार से जा रहे थे उस भाषण का मूल विषय था पानीपत की तीसरी लड़ाई एक उससे कैटास्ट्रॉफी कैटास्ट्रॉफी क्या है इसको हम आगे जिक्र करेंगे पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस कहानी की पृष्ठभूमि में पानीपत की तीसरी लड़ाई है और प्रोफेसर गाय तोंडे को शंका है कि क्या वास्तव में अहमद शाह जीते थे या कुछ और हुआ था तथ्य कुछ और है क्या इस संबंध में उन्होंने तीन चार पन्ने लिखे थे और गाड़ी चलाते हुए जब वो जा रहे थे पुना से बम्बई अपने एक में भाषण के लिए तो कागज सामने रखा हुआ था और उसके बारे में वो सोचते हुए जा रहे थे और इतने में उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े ट्रक से टकराती है एक्सीडेंट होता है भयानक उस क्षण वो पानीपत की लड़ाई के संबंध में सोच रहे होते हैं ये आपको याद रखना एक्सीडेंट होता है प्रोफेसर गायतोंडे बहुत बुरी तरह घायल होते हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वे कोमा में चले जाते हैं कोमा मतलब क्या होता है ओ एम ए कोमा मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग तो चलता रहता है पर शरीर पूरी तरह से मृत प्राय हो जाता है दिमाग चल रहा है अंदर आपकी जो बुद्धि है दिमाग है वह सामान्य है लेकिन शरीर पूरी तरह से एक तरीके से मृत प्राय हो जाता है ऐसी स्थिति हो जाती है जिसको कहते हैं वेजिटेटिंग स्टेट सब्जी जैसी स्थिति जिधर लुढ़का दिया उधर लुढ़क जाए क्योंकि अब बाकी शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं कोमा में चले जाते हैं दो दिन के लिए कोमा में रहते हैं और कहानी यहीं से शुरू होती है उस कोमा के दौरान मैंने जैसा कहा उनकी बुद्धि चलती रहती है वे एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं कोमा में रहते हुए दो दिन जब अस्पताल में है तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां क्या क्या गुजरता है उस दुनिया के बारे में वो क्या क्या सोचते हैं यह इस कहानी में बताया गया है ही स्ट्रेंजली फाइंड हिमसेल्फ इन ए डिफरेंट वर्ल्ड ही नोज इट इज़ पुणे बट द फैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही बिलीव्स जो फैक्ट्स हैं वो कुछ अलग थे क्या फैक्स कि लड़ाई में मराठा हार गए थे लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था और इसलिए इस कहानी में बताया गया है कि वो बंबई जाते हैं जो कल्पना की उड़ान है उस कल्पना की उड़ान में वो बम्बई पहुँचते हैं ये देखने के लिए ये खूब भाषण के लिए नहीं जा रहे हैं अब अब कल्पना की उड़ान चल रही है कोमा में है तो कोमा में वो भाषण देने नहीं जा रहे हैं कोमा में अब वो बम्बई पहुँचने का उद्देश्य उनका होता है ये सच्चाई का पता लगाना कि मराठा जीते थे कि शाह जीता था क्योंकि यदि मराठा जीतते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता तो इस प्रकार कोमा में जाने पर वे रियल वर्ल्ड से दूर हो जाते हैं एक इमेजनरी वर्ल्ड में आ जाते हैं और उस इमेजनरी वर्ल्ड में वो कल्पना करते हैं कि मैं तय करूंगा कि मैं बम्बई जाऊं और वे बम्बई जाते हैं एक ट्रेन से बम्बई पहुंचते हैं और जब बम्बई जाते हैं तो वहाँ पे वो तय करते हैं कि मैं सच्चाई को खोजूंगा कि आखिर जीते कौन थे कहाँ पर इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है वो मोड़ है जहाँ पर मुझे शंका हो रही है कि शायद मराठा जीते थे ऐसी शंका हो क्यों रही है आखिर वो इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर थे इतने बड़े कि 999 सौ निन्यानवे लेक्चर्स उनके हो चुके थे इतने बड़े विद्वान के मन में ये शंका होना एक बहुत बड़ी बात थी और उनको लगता था कि इतिहास कहीं तोड़ मरोड़ दिया है सच्चाई कुछ और है शायद मराठा जीते थे लेकिन शंका थी इसको वो प्रूफ नहीं कर पा रहे थे तो अब वो सपने में कोमा के दौरान अब वो भाषण देने नहीं जा रहे हैं अब वो जा रहे हैं सच्चाई का पता लगाने कि आखिर जीता कौन था और वो कौन सा मोड़ था जहाँ पे सच्चाई और मतलब वास्तविकता और, और जो तथ्य और जो बात चल रही है उसमें अंतर क्या हो गया है वॉट इज़ द फैक्ट और वो खोजने के लिए अब बम्बई निकलते हैं वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एशियाटिक सोसाइटी वहाँ पर चले जाते हैं एशियाटिक सोसाइटी के लाइब्रेरी में दिन भर बैठते हैं चार पांच वॉल्यूम की किताबें रखे रहते हैं और उसको एक के बाद एक पढ़ते हैं दिन भर में और पाँचवें वॉल्यूम में जब वो पहला पन्ना एक हाथ से और आखिरी पन्ना दूसरे हाथ से पढ़ना शुरू करते हैं मतलब यहाँ और ऐसा दोनों तरफ़ देखना शुरू करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर वो पन्ना आता है जहाँ पर उनके दोनों हाथ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनको लगता है कि इस यहाँ पर कुछ ऐसा मोड़ है जहाँ पे मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई का कुछ कहानी बदल गई सच्चाई तो ये है कि जब लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में मराठा पराजित होते हैं और सदाशिवराव जो हैं के उनके पेशवा उनके सेनापति उनके गोली लगती है और वो वहीं मर जाते हैं और अहमद शाह विजयी होता है लेकिन उनके मन में कहीं पर यह शंका थी कि शायद गोली उनको लगी नहीं गोली उनके कान से तिल जैसी दूरी से निकल गई तिल आप समझते हैं ना कितना छोटा है तिल जिसे हम खाते हैं तिल का तेल बनता है इतना बिल्कुल पास इट विस्ड पास हिज ईयर्स एंड ही सर्वाइव्ड वो बच गया अब दाली मारा गया और इस प्रकार मराठा जीत गया ऐसी अनुभूति उनको वो पांचवा वॉल्यूम पढ़ते हुए होती है ही फील दैट प्रॉब्ली दिस इज द टर्निंग पॉइंट वेयर प्रॉब्ली फैक्ट्स हैव गॉन रॉन्ग मैं फिर आपको बोलूंगा ये सब कल्पना की उड़ान में हो रहा है ये सब तब वो सोच रहे हैं जब वे कोमा में हैं निकले तो थे भाषण देने चले गए एक्सीडेंट के बाद कोमा में अस्पताल में एडमिट हैं और वहाँ अब दिमाग में कुछ और उनके चल रहा है वो खोज इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच वो लेते हैं और इस प्रकार उनको लगता है कि यदि अहमद शाह अब्दाली चला जाता मराठा रहते फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती क्योंकि अब्दाली आया मराठाओं को हराया और चला गया इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश लोग भारत में शासन करने में सफल हुए यदि मराठा जीतते तो कहानी कुछ और ही होती इट वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वुड नॉट हैव रूल्ड ओवर इंडिया इवन आफ्टर 1857 इवेंट थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट ये और जब वो वहाँ पढ़ते हैं कहानी पांचवा वॉल्यूम पांचवा वॉल्यूम पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र एक और किताब पे पड़ती जो मराठी में है उस मराठी किताब के पन्ने को कुछ देखते हैं तो उनको बड़ा रोचक लगता है वो भी इसी विषय से संबंधित थी जिसके बारे में हम कहानी में पढ़ेंगे तब तक आठ बज जाता है और लाइब्रेरियन आके कहता है सॉरी आपका समय ख़त्म हो गया अब लाइब्रेरी बंद हो रही है तो वो जो दिन भर जो लिखे रहते हैं नोट उस नोट को अपनी एक जेब में डालते हैं और शायद गलती से वो पतली सी जो मराठी किताब थी उसको दूसरी जेब में डालते हैं ये स्पष्ट नहीं है कि वो जानबूझकर उन्होंने रखा था क्या लेकिन सच्चाई ये कि वो दूसरी जो किताब थी दूसरी मराठी की वो उनकी जेब में थी और वो निकल जाते हैं और उसके बाद जब निकलते हैं तो फिर निकलने के बाद फिर उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उनको याद आता है उनके एक मित्र के बारे में उस मित्र से बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है ये किताब बता रही है कि मराठा जीते थे ये मराठी की किताब में भी ऐसे ही कुछ लिखा है तो जो उनके मित्र हैं उनके मित्र उनको समझाते हैं वो बहुत गहराई से सोचते हैं कि ये प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं क्यों वे मान रहे हैं कि मराठा जीते थे ऐसी शंका उनके मन में कैसे हो रही है और वो भी इस बात की शंका जो ऐतिहासिक दृष्टि से जिस पर शंका की कोई गुंजाइश नहीं उस पर क्यों इनको डाउट हो रहा है प्रोफेसर साहब को तो उनके मित्र फिर थोड़ा सोचते हैं समझते हैं और फिर अंत में वो बताते हैं कि ऐसा दो कारणों से हो सकता है एक कारण है कैटेस्ट्रॉफिक थ्योरी और दूसरा कारण हो सकता है क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी फिजिक्स की थ्योरी है और एक कैटास्ट्रोफिक थ्योरी है ये दो थ्योरी के आधार पर कहने की कोशिश करता है कि आप प्रोफेसर साहब एक दूसरी दुनिया में चले गए और इसलिए आप दूसरी दुनिया में गए इसलिए सब ऐसी घटनाएँ हो रही हैं आपके मन में ये वहम आ रहा है ये शंकाएं आ रही हैं लेकिन प्रोफेसर साहब फिर जेब से कागज निकालते हैं जो उन्होंने लाइब्रेरी में रखा था और किताब निकालते हैं और उसको बताने की समझाने की कोशिश करते हैं अपने मित्र को देखो तो इसमें तो ये लिखा हुआ है कि मराठा जीते थे कि विश्वास राव जिंदा था उसे गोली नहीं लगी थी तो उस कागज को उनका मित्र पढ़ता है पहली नज़र से फिर दूसरी नज़र से फिर तीसरी नज़र से और फिर उसके बाद कहता है कि ये कागज तो वो नहीं है ये जो कागज़ है ये तो आपका भाषण है और यही सच निकलता है जब ऐसी स्थिति में गायतोंडे रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं कोमा से निकल आते हैं बाहर जब ये सब सपना चल रहा था तो ऐसी स्थिति में जब वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं दोस्त उनको दो थ्योरी बताता है और अंत में कहता है, ये कागज तो जो आपकी जेब में है ये तो आपके भाषण के वो पन्ने हैं जो आप कार में रखे हुए थे और फिर कहने की कोशिश करता है कि आपके मन में आखिरी क्षण में घटना के जो बात चल रही थी कोमा में वही बात आगे चलती रही और फिर ऐसा चलते चलते आप कल्पना की उड़ान में चले गए जिसमें आपने ये सब किया बम्बई गए फिर एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी गए और फिर वहाँ पे आपने पांच वॉल्यूम का अध्ययन किया मराठी किताब पढ़ी आदि आदि ये सब कल्पना है आपके मन की जो कोमा के दौरान आपके मन में आई है और इसे वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी कहता है क्वांटम थ्योरी कहता है आदि आदि जिस पर हम कहानी के दौरान जिक्र करेंगे जब ये सब होता है तो ये होश में आ जाते हैं और होश में आते हैं और फिर उनको लगता है अरे कागज़ तो मेरा भाषण है और तब वो अपने मित्र को कहते हैं कि मैंने एक हज़ार में लेक्चर ना देने के लिए अफसोस जाहिर किया है और अपनी असमर्थता बताई है आज़ाद मैदान के लिए जिसके लिए मैं जा रहा था और ऐसा करके कहानी समाप्त हो जाती तो इस प्रकार शुरू में वास्तविक दुनिया में लेकिन आपकी कहानी शुरू होती है बिल्कुल इमेजनरी वर्ल्ड से जो मैंने पूरे घटनाक्रम बताया है ये आपके इस कहानी में नहीं है ये पृष्ठभूमि है जो आपको जानना ज़रूरी है और अब वो इमेजनरी वर्ल्ड में है वो आप पूरा पढ़ेंगे और आखिरी में सच बात सामने आती है और फिर वो उस सच बात के तहत जब वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं अब अपना एक भाषण देने मैदान में नहीं जाऊंगा इसकी सूचना असमर्थता की सूचना अफसोस के साथ मैंने आज़ाद मैदान में भेज दी है इस प्रकार ये कहानी यहाँ ख़त्म होती तो आप इसमें साइंस भी देखेंगे फिक्शन भी है इमेजिनेशन भी है और उसके साथ ही साथ रियल वर्ल्ड बनाम आर्टिफिशियल वर्ल्ड की जो परिकल्पनाएं हैं वो हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जब हम ड्रीम करते हैं और ड्रीम करते हुए हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं सपनों की दुनिया में हवाई जहाज़ में उड़ते हैं परी बन जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं बहुत ही स्पीड से कहीं भागते हैं तो सपनों की दुनिया में हम कुछ भी सोच सकते हैं ये बात भी इस कहानी में आ, आ, इसके लेखक ने बताने की कोशिश की है जिनका नाम है जयंत विष्णु नारलीकर राइट सो वी मूव ऑन टू द स्टोरी स्लोली स्लोली बट वेरी केयरफुली तो कल्पना की उड़ान का प्रारंभ से अंत तक मैंने बताया एक दौर और आता है उसी कोमा की स्थिति में जब उनको लगता है कि सच्चाई ये है कि मराठा जीते थे तो वो सपने में ही आज़ाद मैदान पहुँच जाते हैं और आज़ाद मैदान पहुँचते हैं और वहाँ पर उनको मंच पर एक कुर्सी दिखाई देती है बड़ी भारी भीड़ दिखती है मैदान में मंच पर कुर्सियाँ हैं कई लोग बैठे हैं और बीच में एक बड़ी कुर्सी है जो संभवतः चीफ गेस्ट की थी ये सब सपने में हो रहा है और उनको लगता है ये कुर्सी मेरे लिए है और वो मंच पे चढ़कर सीधा बैठ जाते हैं इस दौरान कोई और भाषण देता रहता है जैसे ही वो बैठते हैं उस कुर्सी में लोगों का विरोध शुरू होता है लोग शोरगुल करने लगते हैं ये कहने लगते हैं कि हम ये चीफ गेस्ट आदि को नहीं चाहते ये कुर्सी हमारे लिए एक सिंबल है एक प्रतीक है बस चीफ़ गेस्ट का लेकिन हम चीफ गेस्ट नहीं चाहते जो कोई भाषण दे ऐसी और हम लोगों का समय ले व्यर्थ के भाषण और थैंक गिविंग और इंट्रोडक्शन ये सब जो आ, होता है हमको ऐसा नहीं चाहिए हम तो एक मुद्दों को सुनने आए हैं जिस पर ये बातचीत कर रहा है आपसे हमको मतलब नहीं है आप वहाँ से हटिए तो प्रोफेसर साहब कल्पना की उड़ान में ही वहाँ से हटने से इनकार कर देते हैं एक तरह से भीड़ और ज़्यादा उग्र होती जाती है और ज़्यादा नाराज होती है अंडे आदि फेंकने लगती है विरोध करने लगती है और अंततः ऐसा होता है कि पूरी भीड़ मंच पर जाती है और उन्हें पकड़ के मंच से उतार के दूर धकेल देती है जब ऐसा होता है तभी वे होश में आते हैं वापस उस दुनिया में रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और फिर अपने मित्र से बात करते हैं जिसका जिक्र मैंने आपको किया है और इस मित्र से बातचीत का क्या परिणाम हुआ और क्या निष्कर्ष निकला ये भी आपको बताया है तो इस प्रकार ये कहानी बड़ी रोचक है पूरा मज़ा लीजिए आनंद लीजिए इस कहानी का और अंग्रेजी में बताने के पहले मैंने इसीलिए संक्षिप्त में हिंदी में बता दिया ताकि आप इसकी भूमिका को समझ जाएं पृष्ठभूमि को समझ जाएं। सो हियर वी गो इसका हम विद द स्टोरी द एडवेंचर बाय जयंत विष्णु नारलिकर एज पर द बुक नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्सट इन्फर their meanings फ्रॉम द context आपके हॉर्नबिल के अधिकतर चैप्टर्स की शुरू में ही कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि आप इन शब्दों को देखें और इन्फर देयर meanings फ्रॉम द कंटेक्सट ये इस वक्त के बहुत महत्वपूर्ण है इन्फर करना मतलब अर्थ निकालना अर्थ नहीं अर्थ निकालना केवल अर्थ नहीं टू इन्फर फ्रॉम योर मूवमेंट आई इन्फर दैट यू आर डिस्टर्ब्ड तुम्हारी गतिविधियों से मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसा अर्थ निकाल रहा हूं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तुम डिस्टर्ब्ड हो आई इन्फर दैट ही विल नॉट कम आई इन्फर फ्रॉम दिस मैसेज दैट ही विल नॉट कम इस मैसेज से मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा अंदाज हो रहा है कि वो नहीं आएगा मतलब मैसेज में ये नहीं लिखा है मैं नहीं आऊँगा पर मैसेज की भाषा ऐसा बता रही है जिससे मैं ये अर्थ निकाल रहा हूँ कि वो नहीं आएगा सो टू इन्फर मतलब अर्थ निकालना और फिर कहता है कहाँ से निकालना अर्थ फ्रॉम द कंटेक्स्ट कंटेक्सट से अर्थ निकालने का आ, मतलब क्या होता है अंग्रेजी के जैसे हिंदी के एक ही शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग स्थिति में अलग अलग सिचुएशन में शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं ऐसे ही अंग्रेजी में भी एक ही शब्द के अलग अलग स्थिति में अलग अलग मीनिंग है तो कंटेक्स मतलब स्थिति यहाँ पर जो स्थिति है उस स्थिति में इस शब्द का क्या अर्थ है ये आप जानने की कोशिश करें

चौथा पोलिटिकल एक्यूमेन डिफैक्टो एस्ट्यूट डॉक्टरल अकाउंट डॉक्टर्ड अकाउंट और गे टू ये देखिए सभी शब्द जो हैं अधिकतर एक शब्द से ज्यादा शब्दों के मिश्रण हैं जो भी यहाँ कठिन शब्द आप देख रहे हैं ये एक से ज्यादा शब्दों का मिश्रण है यदि एक, इस एक इसमें से एक शब्द का अलग मीनिंग होगा दूसरे का अलग मीनिंग होगा पर दोनों शब्द जुड़ जाते हैं तो उसका कुछ तीसरा मीनिंग निकलता है यह आपको यहां समझने की जरूरत है मोरल मतलब क्या उदाहरण के लिए मोरल मेरा उत्साह बूस्टर मतलब बढ़ाना मोरल बूस्टर मतलब उत्साह बढ़ाने वाला बूस्टर क्या होता है आपने जाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के संबंध में ये बूस्टर है जो आपके नेट फैसिलिटी को नेट की स्पीड को बूस्ट करता है बढ़ा देता है तीव्रता ले आता है तो तीव्रता लाना टू बूस्ट और बूस्टर मतलब जो तीव्रता लाता है मोरल बूस्टर तीव्रता लाने वाला किसमें तीव्रता लाने वाला आपके उत्साह में ऐसे बहुत से शब्द हैं सो नाउ वी गो विथ आवर वर्ड्स